पश्चिमी सिंहभूम के किरीपुरु थाना क्षेत्र के बैंक मोड़ में रहने वाली 22 साल की नीलोफर निगार उर्फ नीलू खान। हसमुख और खुशमिजाज रहने वाली नीलू आज जिंदगी की जंग लड़ रही है। आज उसकी ऐसी हालत बना दी गई है कि वह सांसों के लिए मोहताज है और उसकी यह हालत और किसी ने नहीं बल्कि उसके ही पति ने की है, जो उसकी जान लेने पर आमादा थे। निकाह के 8 महीने बाद ओडिशा के बड़बिल में सोनू के साथ रह रही नीलू को सोनू का असली चेहरा नजर आया। सोनू ने तेज धारदार हथियार से नीलू का गला रेतकर उसे जान से मारने की कोशिश की। गला रेतकर सोनू मौके से भाग गया, लेकिन किसी तरह खून से लथपथ नीलू को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया और उसकी जान बच गई। ये वाकया साल 2018 के अक्टूबर महीने का है। मामले में कबाड़ी का काम करने वाले नीलू के पति सोनू पर हत्या के प्रयास का मुकदमा बड़बिल थाना में दर्ज है। पुलिस ने सोनू को इस मामले में गिरफ्तार कर जेल भेजा था, लेकिन 3 महीने में ही वह बेल पर रिहा हो गया। मेरे को पहले निकाह किया, अभी दूसरे लड़की से निकाह करने के लिए मेरा गला उन्होंने काट दिया। बुलाया पहले घर में बात करने गला काट दिया मेरा, और उसमें इसका माँ बाप साथ थे, उसको चढ़ा के उसको शादी करा रहा है, और ये पता नहीं किस कारण से मेरा गला काटा। नीलू बताती है कि सोनू उसे तलाक दिए बिना किसी दूसरे लड़की से दूसरा निकाह करने जा रहा है। नीलू को पल पल मौत देकर सोनू आजादी में घूम रहा है। नीलू का आरोप है कि पुलिस उसे इंसाफ दिलाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। नीलू अपने पति सोनू को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रही है। देखो बहुत दिक्कत है, दवा हुआ में बहुत खर्च हो चुका है मेरा पैसा, मेरे माँ बाप के ऊपर हम कितना बोझ बने रहेंगे, अभी ऑपरेशन बहुत बड़ा है तो मेरे को पैसा एकदम नहीं है मेरे पास कि ऑपरेशन कर पाए हम लोग। प्लीज हम सबसे हेल्प मांगते हैं कि मेरा हेल्प कीजिए, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, सब कोई कम बोलते हैं। अब उस लड़के का क्या कहना है? लड़का को सजा मिलना चाहिए कड़ी से कड़ी। इधर नीलू की माँ का कहना है कि नीलू के इलाज में उनके घर का सारा जमा पूंजी, पैसा, जीवर, गहने सब बिक गए। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि उसका ऑपरेशन करना है। की शादी हुई थी, लव मैरिज करके लोग किया शादी, उसके बाद लड़की का गला काट दिया, तो थाना के थ्रू मालूम हुआ हमको कि हमारी लड़की सीरियस है, उसको मुर्दा हाल। फिर थाना के थ्रू हमको किरीबुरु इंस्पेक्टर साहब से मालूम हुआ, इंस्पेक्टर साहब हम लोग को यहाँ से भेजे। भेजने के बाद कटक थाना में हम कटक हॉस्पिटल में जा कर के देखे तो लड़की हमारी मुर्दा पड़ी हुई थी। उसके बाद हम लोग बहुत मुश्किल से उसका इलाज कराए, वहाँ से फिर ट्रांसफ़र कर दिया गया हमको एम्स हॉस्पिटल। अब मेरे पास कुछ है नहीं कि हम लड़की का इलाज करा सकें, हम आप लोग से मदद मांगते हैं। ऑपरेशन के बाद ही नीलू की जिंदगी बच सकती है, लेकिन उनके पास इतना भारी रकम नहीं कि वो नीलू का ऑपरेशन करा सके। नीलू की माँ ने आम लोगों से नीलू की जान बचाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। न्यूज़ 11 के लिए चाईबासा से जय।